फ्रेंड्स, फिर से एक बार आदित्य भाई हमारे साथ में, और आज हमें वो बताने वाला है कि उनसे उनके शॉप में कौन सी नई फिश की वैरायटीज आई है। आदित्य भाई, सबसे पहला मैं आप लोगों का वेलकम करूंगा मेरे शॉप के अंदर परी एक्वेरियम में, और काफ़ी लोग मुझे प्यार करके इसके लिए थैंक यू है। और सबसे पहला मैं आप लोगों को वैरायटीज बताता हूँ मेरे शॉप में भी फिलहाल क्या क्या अवेलेबल है। थोड़ा सा स्टॉक कम है बट मैंने थोड़ा सा वैरायटीज भरा है। मैं आप लोग को स्टार्टिंग मेरा फिशेज से करता हूँ, डिस्कस से स्टार्ट। ये डिस्कस है, 2.5 इंच का साइज़ है इसका, 600 रुपये पीस में पड़ेगा आपको। ये वाला डिस्कस वैरायटी है, इसके अंदर ये मेलन है बड़ा साइज़ का, इसके अंदर लेपर्ड है, स्पॉटेड लेपर्ड है, स्नेस्किन लेपर्ड है इसके अंदर, और टर्किश भी है। तो इसका प्राइस 4 इंच का साइज़ है, ये 1200 रुपये पर पीस में आएगा। और इसके अलावा इस बाजू में यहाँ पे वाइट फिश मेलन है, तो ये आपको 1500 रुपये पीस में आएगा, 4 इंच का साइज़ है इसका। इसके फिन्स थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, इसके थोड़े से बड़े फिन है, थोड़े से हाई फिन बोलते हैं इसको, तो काफ़ी लोग अलग अलग नाम देते हैं, कोई बुलडॉग बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो इसके अलावा इसके अंदर एक इरप्शन भी मेरे पास पड़ा हुआ छोटा सा अभी तो फिलहाल। ये वाला है भाई, ये इरप्शन है, थोड़ा सा पीछे छुपा हुआ है। और इधर तो बहुत बढ़िया सा स्टॉक दिख रहा है इसके अंदर मेरे पास, 3 इंच का साइज का वैरायटी है, चेकर बोर्ड है, मैप है, ब्लू डायमंड और कोबाल्ट है। तो ये वैरायटी में आपको 900 रुपये पीस में आएगा, 900 पर पीस, और जोड़ी में लेंगे तो 1800 रुपये जोड़ी में आएगा। अगर कोई बल्क में लेना चाहता है तो उसके लिए कम हो जाएगा थोड़ा सा प्राइस। सॉरी भाई, ये ऑस्कर, ये ऑस्कर की वैरायटी है, इसके अंदर टाइगर ऑस्कर, मेलन ऑस्कर, अपना फायर रेड ऑस्कर और कॉपर ऑस्कर है इसके अंदर, और मैंगो ऑस्कर है। तो ये 4 से 5 इंच का साइज़ है, तो इसका प्राइस 500 रुपये पर पीस है। ये छोटे में भी दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा साइज़ का है, अपना 2.5 इंच का साइज़ है, टाइगर ऑस्कर और कॉपर ऑस्कर इसके अंदर। तो ये 150 रुपये पीस में आ जाएगा, 300 रुपये जोड़ी में, 150 रुपये में, 150 रुपये पर पीस में, 300 रुपये जोड़ी में आएगा। ये वाला कौन सा है भाई? ये फायर रेड ऑस्कर है और इसके अंदर अल्बिनो भी है, तो इसका प्राइस आएगा आपको 300 रुपये पर पीस में, मतलब 600 रुपये जोड़ी में आएगा। ओके, इसका साइज़ क्या होगा? ये 3.3 इंच प्लस है ये साइज़। ओके, और आदित्य भाई, ये वाले जो ऑस्कर दिख रहा है इसमें, ये थोड़ी बड़ी साइज़ का ऑस्कर है मेरे पास, 5 से 6 इंच का साइज़ है इसका। तो इसका प्राइस आपको आ जाएगा 600 रुपये पर पीस में आएगा इसके अंदर, 600 पर पीस आएगा इसके अंदर। दो टाइप के ऑस्कर है, एक फायर रेड है और एक टाइगर है। तो ये बड़ा साइज़ है थोड़ा सा, काफ़ी लोगों के पास बड़े ऑस्कर जो होते हैं वो रखना चाहते हैं, जिसका मॉन्स्टर टैंक वगैरह हो तो वो इसको ईजिली रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोरिंग का भी बहुत बढ़िया सा वैरायटी दिख रहा है भाई इस बार। फ्लोरिंग के अंदर मेरे पास अभी 5 इंच का साइज़ है और बड़ा साइज़ है एक, थोड़ा 6-7 इंच का साइज़ है। तो इसका प्राइस है, जो ये बड़े वाला आपको है, ये मेरे पास 7-8 इंच का साइज़ है, 2500 रुपये पर पीस में मिलेगा। और इसके अलावा ये जो छोटा साइज़ है आपको 1600 रुपये पर पीस में मिलेगा। और ये वाला जो दिख रहा है भाई, ये बड़ा साइज़ का है, 2500 रुपीज़ पीस में आएगा, 2500 रुपये में, 2500 रुपये में आ जाएगा, बड़ा साइज़ है, पॉकेट है थोड़ा। आरी भाई, इसमें छोटे फ्लोरॉन्स भी दिख रहे हैं, ये इम्पोर्टेड बेबीज है, ये फ्लोरॉन के फ्राइज बोलते हैं इसको। तो इसका साइज मिनिमम 2 इंच का साइज़ है इसका, तो आपको ये 300 रुपये पर पीस में मिलेगा। इम्पोर्टेड है, इसको सेपरेट रखा जाता है, इसी के रेजिंग करने के बाद जो इसकी वैरायटी बनती है, बड़े फ्लोरॉन जो होते हैं वो इसी से बनते हैं। काफ़ी रेजिंग करने वाले लोग जो होते हैं फ्लोरॉन वगैरह, जो इंडिया में कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री में जो भी है बड़ा करते हैं, तो यही बच्चे को लोग बड़ा करते हैं। तो ये इम्पोर्टेड बेबीज है, 300 रुपये पर पीस में आएंगे। तो बड़ा होने के बाद सेम होते हैं वो, अच्छा हेड आता है। काफ़ी लोग बोलते हैं ये फ्लोरॉन के बारे में कि भाई हमने यहाँ से लिए थे, वहाँ से लिए थे, तो लोगों को हेड नहीं आता है। तो कैसा होता है कि इसके क्वालिटी पे डिपेंड है, बहुत से लोग क्या बेचते हैं वो मुझे नहीं पता है, बट ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी है फ्लोरॉन की, तो इसलिए पैसा थोड़ा ले रहे इसका, थोड़ा महंगा आता है, छोटा बच्चा है, बट इसका रिजल्ट अच्छा है थोड़ा सा। इसको सेपरेट रखना होता है। अगर फ्लोरॉन ग्रोमिंग करना चाहते हो तो आप लोगों को ये बच्चे को एक हीटर लगाना पड़ेगा, और दाना थोड़ा अच्छा टाइप का डालें, नॉर्मल दाना ना डालें, जैसे कि लोकल दाने होते हैं जो सादे वाले, 100-150 रुपये के रेंज वाले दाने ना डालें। थोड़ा सा हेड के लिए थोड़ा सा ग्रोथ नहीं होगा, विटामिन कम होता है, प्रोटीन कम होता है उसके अंदर, तो वो हिसाब से इसके अच्छे हेड ग्रोथ नहीं होते। तो आपको दाना अच्छे क्वालिटी का यूज़ करो इसके अंदर, जैसे कि प्लेटिनम वगैरह होता है, या फिर हम भी हेड वगैरह डालो, या फिर 9.9 वगैरह, जो भी अच्छा फूड है वो आप यूज़ करो इसके लिए। और एक टाइम ब्लड वर्म्स डाल सकते हो, एक टाइम दाना भी डाल सकते हो। अगर आपके ब्लड वर्म्स नहीं मिलता है तो आप इसको दाने पे भी आप इसको ग्रोमिंग कर सकते हो।
और ये वाला जो पैरट फिश है हरी हाँ, भाई, ये इसका रेड, कैसा प्राइस है? ये रेड पैरट है और इसके अंदर ये वाला जो पीस है ये सामने, ये अल्बिनो फ्लोरॉन है मेरे पास। ओके हाँ, तो ये पैरट का प्राइस आपको 275 पर पीस पड़ेगा। ये 3 इंच का साइज का पैरट है, तो 275 भी थोड़ा सा महंगा चल रहा प्राइस, तो हिसाब से अभी इसका प्राइस है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा तो आपको प्राइस कम कर दी जाएगी। और ये वाला जो फ्लोरन है, ये फ्लोरन अल्बिनो फ्लोरन है ये, तो आप इसका प्राइस 500 रुपये पर पीस है। 500 रुपीज़ पर पीस मिल जाएगा पर पीस विदाउट हेड है। इसको थोड़ा सा कलर अच्छा आता है, रेड कलर आता है, तो थोड़ा ये कॉस्टली आता है, तो वो हिसाब से इसका 500 है। हाँ, 6 पैरेट है येलो वाला, ये वाला बड़े साइज का पैरेट है, ये 3.5 इंच का साइज है इसका, तो ये इसका प्राइस अभी 400 रुपये पर पीस चल रहा है। इसके साथ में मेरे टैटू पैरेट है बड़ा साइज़ का, ये कुछ 4 इंच का समथिंग साइज़ है, तो इसका कुछ 750 रुपये पर पीस चल रहा है अभी फिलहाल, तो 1500 रुपये जोड़ी उसका है और 800 रुपये जोड़ी में वो आएगा। और इसके साथ में 1 फुट का अरवाना ये सिल्वर वाला, ये पैरेट के साथ में है, तो इसका प्राइस आपको 1400 रुपये पर पीस में आ जाएगा। ये 1400 में 1400 रुपये में मिल जाएगा। 1400 रुपये में मिल जाएगा। अरे भाई, अरवाने के साथ में कौन सा फिश रखना चाहिए हमें? अरवानस के साथ में थोड़ा सा उसके फेस में, मतलब मुंह में ना जावे, वो साइज़ का आपको फिशेस रखना है। और थोड़ा सा केयर करें, थोड़ा एग्रेसिव मच्छी ज़्यादा ना डालें। और पैरेट के साथ में सिकलेट वगैरह नहीं रखना चाहिए आपको। अगर आप रखना चाहते हो तो नॉर्मल बड़ी बड़ी साइज़ में टिम्फॉइल वगैरह या फिर अपना डॉलर वगैरह आप रख सकते हो उसके साथ में। और आरिफ भाई, ये जो गोल्ड फिश है, ये वरंडा लाइनेट गोल्ड है, ये इसके अंदर कैलिगो है और वरंडा है। ये बड़ा साइज़ का गोल्ड है, इसका साइज़ है इसके अंदर मिनिमम 2 टाइप के, थोड़ा एक छोटा है 3 इंच का साइज़ का और एक 5 इंच का साइज़ का है। जो 5 इंच का साइज़ का बड़े वाला है 250 रुपये पर पीस में है, और दूसरा वाला जो साइज़ है वो आपको 175 पर पीस में मिलेगा। और इसके अंदर जो कैलिगो है टेलीस्कोप, तो ये आपको, हाँ ये टेलीस्कोप है, ये कैलिगो बोलते हैं इसको, तो ये आपको 200 रुपये पर पीस में आएगा। 400 रुपये जोड़ी में आपको मिल जाएगा ये वाला। इसके बाजू में भी दिख रहा है अरे भाई, ये वाला इसके बाजू में है, ये रेड कैप है, ब्लैक मोर है और ब्लैक गोल्ड है, तो रेड गोल्ड भी है इसके अंदर लाइनेट वाले बच्चे, तो वो इसका प्राइस आपको 125 पर पीस में पड़ेगा। आपको 250 रुपये जोड़ी में आएगा। इसका साइज़ मिनिमम 2.5 से 3 इंच का साइज़ है इसका। और अरे भाई, ये जो टेट्रा फिश दिख रहा है इसमें, ये टेट्रा से विडो की वैरायटीज़ में है, ये फ्लोरेसेंट कलर है और ऑरेंज येलो गोल्डन कलर है ये, तो इसका प्राइस आप डज़न में लेंगे तो आपको 900 रुपये डज़न पड़ेगा। और इसका साइज़ मिनिमम 2 इंच तक जाता है इसका फुल साइज़, और इसका कलर नहीं जाता, नेचुरल कलर है इसका। तो इसमें कॉरी भी, कैटफिश भी दिख रहा है, ये स्टर्बी है, ये कॉरी की वैरायटी है स्टर्बी, तो ये आपको 200 रुपये पर पीस में मिलेगा थोड़ा। और इसके अंदर सियामीज एलिगेटर है इसके अंदर मिक्स में, एल्गी खाने वाला मच्छी है वो। ये कितने में मिल जाएगा? ये 50 रुपये पर पीस में आता है, मतलब 100 रुपये जोड़ी में सियामीज एलिगेटर आता है। ओके, इसके अलावा टेट्रा फिश के साथ में हम कौन सा फिश रख सकते हैं? ये वाली जो टेट्रा फिश, अगर आप ये टेट्रास के साथ में गोल्ड फिश वगैरह भी रख सकते हो, क्योंकि ये गोल्ड फिश वगैरह इसको खाती नहीं है, हार्म नहीं करती है, और ये भी गोल्ड फिश को हार्म नहीं करती है, तो आप इसको गोल्ड फिश के टैंक में इजीली रख सकते हो। आपको अगर रखना चाहिए तो एंजल में भी आप इसको रख सकते हो, अदर फिशेज में आप इसको इजीली रख सकते हो। ये अदर टेट्रास के जैसी नहीं है, नियॉन वगैरह जो होते हैं वैसे दूसरे मच्छियाँ खा लेते हैं, इसको कोई खाएगा नहीं। इसका साइज़ भी अच्छा होता है और उसका काफ़ी टाइम तक कलर वगैरह जाता नहीं है, तो मतलब ये नेचुरल कलर है, आर्टिफिशियल नहीं, इंजर्ड वगैरह नहीं किया हुआ है, तो इसका कलर नहीं जाता है। राजीव भाई, ये जो फिश दिख रही है, ये हाब्बिक है, इसका नाम हाब्बिक है, ये आप इसको नियॉन टेट्रा में रख सकते हो, कार्डिनल टेट्रा में रख सकते हो, अदर टेट्रास में भी रख सकते हैं। इसका मिनिमम साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होगा, ये अच्छा साइज़ का है। इसका प्राइस अगर आप लेना चाहेंगे तो 200 रुपीस पैर में आएगा, अगर आप इसको डज़न में लेना चाहेंगे तो आपको 1000 रुपीस डज़न में आएगा ये। ओके, और इसमें प्लांट भी दिख रहा है, इसके अंदर ये मनी प्लांट है जो विदाउट सॉइल में भी रहता है और आप इसको मिट्टी में भी लगा सकते हो, तो ये बढ़ता है काफ़ी। और इसके अलावा मेरे अंदर उसके अंदर एक वैरायटी और है जो पांडा कौरी है, वो हाइफिन पांडा कौरी, हाँ ये हाइफिन पांडा कौरी है, तो मुझे कौरी के अंदर वैराइटीज़ है, तो ये हाइफिन वाली है, तो ये अच्छी वैरायटी है, तो इसका प्राइस आपको आ जाएगा 300 रुपये जोड़ी में। अरे भाई, इसको किसके साथ में रख सकते हैं हम? कौरी की वैरायटी आप टेट्रास में भी रख सकते हो और गोल्डफिश में भी रख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बॉटम में रहने वाली मच्छी कैटफिश की वैरायटी है, मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि फ्लोटिंग दाना नहीं खाती, आपको सिंकिंग पैलेट्स या सिंकिंग टेट्राबाइट्स वगैरह डालना पड़ेंगे, इंस्टिंक्ट फूड वगैरह आप डाल सकते हैं इसको। अरे भाई, इसमें कार्डिनल टेट्रा दिख रहे हैं, इनका क्या प्राइस है? ये कार्डिनल टेट्रा आपको 600 रुपये डजन में आएगा।
600 रुपीज डजन में मिल जाएगा। 600 रुपए डजन में, अच्छा साइज है थोड़ा सा, एक छोटा साइज भी आता है। ये मनी प्लांट ही है ना? हाँ वही प्लांट से, अभी जब रिसेंटली मिला प्लांट आया है तो मैं काफ़ी टाकियों में प्लांट्स वगैरह छोड़ के रखता हूँ। क्या होता है कि थोड़ा सा मच्छी को भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है और कलर वगैरह अच्छा दिखाने लगते हैं, तो हिसाब से थोड़ा सा प्लांट डाला है। सेलिंग वाले प्लांट्स से इसका प्राइस भी बता देता हूँ, ये प्लांट्स आपको 150 रुपीज बंच में आ जाएगा। अरे भाई इसमें कौन सा फिशेस है? इसके अंदर सिल्वर शार्क है और ऑस्ट्रेलियन रेम्बो है और क्लाउन लोच अस्टर भी है। ओके, इनका कैसे प्राइसेस है? ऑस्ट्रेलियन रेम्बो जो ये वाली वराइटीज है, ये जो सामने है ये वाली, ये आपको 300 रुपए जोड़ी में आएगी। और इस जोड़ी और इसके अंदर मेरे पास 3 इंच का साइज का सिल्वर शार्क, ये 200 रुपए जोड़ी में आएगा। इसके अंदर नीचे साइड में जो बॉटम में है क्लाउन लोचेस है स्ट्राइप वाले, ये वाले जो स्ट्राइप वाले 175 पर पीस में आएगा आपको। और इसके अलावा ये जो है यहाँ पे क्लाउन लोच का अच्छा कलेक्शन लाया इस बार आरिफ भाई। क्लाउन लोच बॉटम में रहने वाली लोचेस की वैरायटी है जो नीचे रहती है, इसके लिए आपको फूड वगैरह फ्लोटिंग फूड वगैरह खाती नहीं है, तो आपको सिंकिंग पैलेट या टेट्राबाइट्स वगैरह या टायोबाइट्स वगैरह आप या इंस्टिंग फूड भी डाल सकते हैं इसको। ये बॉटम में रहती नीचे, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर किसी ने डिस्कस वगैरह रखा है तो आप इसको डिस्कस में भी रख सकते हो, गोल्ड फिश में भी रख सकते हो, बट इसको चिकलेट वाइडी में ना डाले, एग्रेसिव में मार डालेगा उसको। तो आप इसको नॉर्मली कोई भी फिशेस के साथ में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे स्टर भी है, ये वाली स्टर भी 350 पैर में आपको आ जाएगा। ये वाला वराइटी स्टर भी बॉटम में रहने वाली कैटफिश की वराइटी है, क्योंकि सब बॉटम में रहते हैं, सब सिंकिंग पैलेट वगैरह इंस्टिंग फूड वगैरह खा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेट्राबाइट्स भी डाल सकते हैं, टायोबाइट्स भी डाल सकते हैं आप उसको। अरे भाई इसमें प्लांट दिख रहा है, ये कैसा है? ये वाला ग्रीन मिंट इसका नाम है प्लांट्स का। ये वाला प्लांट आप इसको विदाउट सॉइल में भी लगा सकते हो और सॉइल में भी लगा सकते हो, और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट, अच्छे प्लांट्स है ये, हार्डली प्लांट है ये, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ईजिली गोल्डफिश वोल्डफिश में ना डालें, आप इसको नॉर्मली इसको टेटर्स वगैरह में रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा। इसका प्राइस कैसा है भाई? 150 पॉइंट्स। हर हफ्ते में मच्छियाँ मेरे पास चेंज होते रहती है, कभी एलिफेंट ईयर आता है तो कभी प्लाकार्ट की वैरायटी आती है तो कभी क्राउन की वैरायटी आती है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल में आज सबसे ज़्यादा क्राउन है अभी मेरे पास, तो इसका प्राइस 150 रुपये पर पीस है इसका। और 150 रुपीज़ हाँ, और अभी मेरा सेकेंड लॉट आएगा 2 दिन के बाद, उसके अंदर आपको दूसरी वैरायटीज़ देखने के लिए मिलेगी। उसके अंदर मैं मेल वगैरह मंगाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसका कैंडी का, क्योंकि कैंडी की फीमेल है मेरे पास थोड़ी सी, मेरे पास काफ़ी पीसेस थे जो मैंने बेच दिया, अभी थोड़ी सी फीमेल मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये आपको मेरे पास अभी नेक्स्ट लॉक जो आएगा उसके अंदर मैंने कैंडी का मेल मंगाया है, और फैंसी में कुछ ब्लैकआउट वगैरह की वैरायटी मंगाया हूँ थोड़ा सा, कुछ हटके करना चाहता हूँ वो हिसाब से, थोड़ी छोटी दुकान है, थोड़ा गरीब आदमी हूँ, तो हिसाब से कोशिश करते रहता हूँ कि कुछ वैरायटी भरा करूँ और थोड़ा लोगों को दिया करूँ। प्लांट्स मेरे पास हर 2 से 3 दिन में प्लांट्स आते रहते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज है। काफ़ी लोगों को टैंक्स वगैरह बनाना होता है जैसे कि प्लांटेड वगैरह करना होता है, तो मेरे पास वैरायटी होती है, और काफ़ी शॉपकीपर भी आते हैं मेरे पास प्लांट्स लेने के लिए, तो इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ है मेरे पास अभी मौजूद में इस समय। तो यहाँ पे ये है ग्रीन कोकम्बस, ये वाला, ये और इसके अंदर ये वाला बंच है 200 रुपये बंच आता है ये, 200 का 200 का। और ये वाला रेड प्लांट है, ये रेड कोकम्बस है, ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला हाँ, इसके यहाँ पे पर्पल स्टार है ये वाला, और ये जो बाजू में है इसके बाजू में यहाँ पे है पर्पल अरोमेटिका, ये वाला वैरायटी, ये वाला, और इसके बाजू में यहाँ पे दूसरा है, ये रेड मकरांडा है ये वाला। अगर आप इसको CO2 अगर बाटला लगाते हो तो भी काफ़ी अच्छे अच्छा कलर दिखाते हैं, क्रिएट करता है ना? और इसके अलावा आप अगर नॉर्मल कार्बन प्लस वगैरह या फिर प्लांट मैजिक वगैरह या CO2 टैबलेट पे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। और ये वाला जो है आरी भाई है, ये वाला स्क्रू ग्रास है, ये वाला ये स्क्रू ग्रास है, ये 150 का बंच है। यहाँ पे रेड, ये स्टार प्लांट बोलते हैं इसको, रेड बाम्बू बोलते हैं इसको, रेड बाम्बू तो ये आपको 150 रुपये बंच में आएगा। इसके अलावा यहाँ पे पीछे बाजू जो है ये वाली वैरायटी, इसको ग्रीन माइक्रो बोलते हैं, रेड माइक्रो बोलते हैं, रेड माइक्रो, ये रेड माइक्रो है, तो और भी अच्छा दिख रहा है, ये काफ़ी हार्ड में मतलब हाइट में बढ़ने वाले प्लांट्स हैं। हाँ तो इसके अलावा इसके बाजू में जो वैरायटी है यहाँ पे ये वाली, इसको एक्वारोज बोलते हैं, एक्वारोज एक्वारोज, और इसके बैक साइड में जो है अमेजोन है वो,
ओके इधर अमेजोन स्टोर है ना अपने पीछे साइड में। और इसके अलावा यहाँ पे है बनाना, बनाना जो डॉलर बनाना बोलते हैं इसको, राउंड पत्ता रहता है इसका, ये बनाना की वैरायटीज है। तो अभी मेरे पास समथिंग यहाँ पे 15 से 20 वैरायटी के बंच के मतलब वैरायटीज है मेरे पास अभी अवेलेबल। और मेरे पास इसके अलावा यहाँ पे मॉस का वैरायटी है, ये वाला ये मॉस है, यहाँ पर देखिएगा इसको, इसमें ये हाँ ये जावा मॉस है, जावा मॉस है यार भैया। तो ये वुड वगैरह बांधने पे काम आता है ये वाला, ड्रिफ्टवुड पे बांधते हैं इसको, तो हाँ ड्रिफ्टवुड पे या नारियल की कौटी वगैरह पे बांधते हैं, या फिर किसी ने अपना मिट्टी का मटका वगैरह रखा रहता है नेचुरल लुक लाने के लिए मतलब प्लांट के अंदर, तो आप उस पर बांध सकते हो या स्टोन वगैरह पे बांध सकते हो आप इसको, ये जावा मॉस है। तो ये आपको पैकेट में मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो ये आपको 200 रुपये पैकेट में मिलता है यहाँ पे। और इसके अलावा थोड़े से प्लांट्स है, प्लांट्स तो आप लोग को पता है कि मेरे पास 100 से लेकर 200 रुपये तक के बंच में प्लांट्स हैं, तो काफ़ी प्लांट्स मेरे पास सेलिंग होते रहते हैं, हर 2 से 3 दिन में बंचेस में मेरे पास प्लांट्स आता है और ये 2 से 3 दिन में खाली हो जाता है मेरा टैंक। ये तो काफ़ी बढ़िया, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया है आरिफ भाई इसको। ये जब नया फ्रेश जब प्लांट्स आते हैं, जैसे कि आज मेरे प्लांट्स आए ये, तो उस टाइम पर ये पूरा भरा भरा रहता है, तो काफ़ी लोग आते हैं, इसी में से मैं सेल आउट करता हूँ, यही टैंक मेरा सेलिंग का है, इसी में से मैं बेचता हूँ, तो ये मेरा टैंक खाली हो जाता है। तो ये एक तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ प्लांट लगाने का, ये इस तरीके से आपको प्लांट लगाना है अगर आप प्लांटेड टैंक करना है तो। हाँ हाँ, यानी कॉम्बिनेशन यूज करना है रेड ग्रीन। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो अभी जो लेटरली जो निकला है कारपेट वगैरह जो है नीचे ज़मीन पे आने वाला आज के तारीख में, सब वो कर रहे हैं, बट ये जो प्लांट्स जो है, ये जो टैंक है, इसके अंदर जो नेचुरल लुक आता है, मतलब जैसे कि एक अंदर प्लांट का नेचुरल लुक और मज़ा है इसके अंदर ये टैंक में, वो काफ़ी लोगों को अभी वो नीचे कारपेट वारपेट वगैरह कर रहे हैं, अभी बहुत से लोग शीट्स वगैरह डाल के लगाते हैं, तो भी इट्स ओके, बट ये थोड़ा सा इजी है साफ़ करने के लिए और क्लीन करने के लिए। अगर आपके प्लांट्स वगैरह बड़े होते हैं तो आप इसको कैंची से काट के या फिर आप इसको तोड़ के छोटा कर सकते हैं इसको ईजीली, तो इसको कोई इतना इशू नहीं है। आप कार्बन प्लस वगैरह, मैजिक प्लांट्स वगैरह या फिर फर्टिलाइजर लिक्विड वगैरह आप इसको यूज करके अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इसको इजीली। आरिफ भाई, इस बार गप्पी का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया आपने, तो गप्पी का वैरायटी है ये अपना, इसको बोलते हैं रेड फिन गप्पी, ये आपको डजन में लेंगे तो 400 रुपये डजन में आएगी, इसके अंदर मेल फीमेल दोनों भी अवेलेबल है मेरे पास अब इस समय। ओके, और आरिफ भाई ये गप्पी फिश किसके साथ रख सकते हैं हम? आप टेट्रास के साथ में, नहीं मॉली के साथ में नहीं रखना होता है, प्लेटी के साथ में आप रख सकते हैं इसको, और इसके टेट्रास के साथ में आप इसको डाल सकते हैं, नियॉन टेट्रा वगैरह कार्डिनल, अगर बहुत किसी का श्रिम का टैंक है तो आप श्रिम में भी रख सकते हैं इसको। और आरी भाई ये कौन से गप्पी का कलेक्शन है? इसके अंदर मेरे पास ब्लैक और रेड गप्पी है, इसके अंदर मिक्स में थोड़ा सा ब्लू कलर का शेड मारते हैं उसके ऊपर, तो ये आपको डजन में लेंगे तो 250 रुपये डजन में आएगी। ओके, ओनली 250 रुपीज़ डजन में मिल जाएगा? हाँ, 250 रुपये डजन। काफ़ी लोगों का टेट अनियन वगैरह में डालना होता है, छोटे से बाउल में आप इसको विदाउट ऑक्सीजन में गप्पी इसको रख सकते हो। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई विदाउट ऑक्सीजन में क्या रहता है, मुझे बाउल लेना है, तो उसके अंदर आप इसको ईजिली डाल सकते हो डजन भर लेके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अरे भाई ये वाला जो जेब्रा फिश है, ये फ्लोरोसेंट जेब्रा है, इसके अंदर रेड कलर है और ग्रीन, डार्क ग्रीन और फ्लोरोसेंट है ग्रीन कलर, तो इसका डजन लेंगे तो आपको 300 रुपये डजन में आएगा। ओके, और इनको किसके साथ रख सकते हैं हम? या आप इसको टेट्रास के साथ में रख सकते हैं, टेट्रा के साथ में, गप्पी के साथ, टेट्रा गप्पी के साथ में भी रख सकते हैं आप इसको, आराम से रह जाएगा ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम। और इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती कि नहीं होती? हाँ, जेब्रा वैरायटी को ऑक्सीजन लगेगा, अगर आपका टैंक अगर ज़्यादा ही बड़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन में भी कभी कभी सर्वाइव कर लेते हैं, तो टैंक पर डिपेंड होता है क्वान्टिटी कितना है मच्छी में, वो हिसाब से कभी कभी रहता है, कभी कभी गोल्ड फिश भी रहता है बिना ऑक्सीजन में, बट वो क्वांटिटी कम रहेगा, उनको ऑक्सीजन की मात्रा कंप्लीट पूरी जाती है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप इसको। और इसके अंदर में ये एक फिश दिखता है, ये सकर की वैरायटी, गोल्डन सकर है ये, अल्बिनो सकर बोलते हैं इसको, तो ये छोटा सा बच्चा है तो रखा हूँ। ये कितने में मिल जाएगा? ये 100 रुपीज़ पर पीस में आएगा। अरे भाई इसमें कौन से फिशेस है? इसके अंदर नियो टेम्बो है और गप्पीज है अभी फिलहाल मेरे पास। ब्लैक गप्पी दिख रहा है ना? ब्लैक हाँ, इसको ब्लैक मॉस को बोला जाता है, ब्लू मॉस को भी बोलते हैं इसको, तो ये वैरायटी मेरे पास अभी फिलहाल गप्पीज आई है, काफ़ी थे मेरे पास, मैंने सेल आउट कर चुका हूँ, तो ये डजन में लेंगे तो 1200 रुपीज़ डजन है, अगर पेयरिंग में लेंगे तो 200 रुपीज़ पेयर में। और इसके अलावा नियॉन रेम्बो है मेरे पास मीडियम साइज़ का, इसका डजन में लेंगे तो आपको 400 रुपये डजन में आ जाएगा, 400 रुपये डजन। और इसमें प्लांट्स दिख रहे हैं? ये प्लांट्स मेरे पास अनुबियस ग्लाबरा है, यहाँ पे
ये वाला अनिवेस कैलिब्रा बोलते हैं इसको, ये वाला आपको 250 रुपये पॉट में आएगा। इसके अलावा दूसरा पॉट है ये 150 रुपये पॉट में आएगा। ये जो प्लांट से अनुबियस का वराइटी है ये तो आप इसको विदाउट सॉइल में, या आपको अगर ज़्यादा प्लांटेड वगैरह नहीं करना है तो आप इसको डिस्कस में और अपना इसको टेट्रास में वगैरह, या फिर आप इसको इजीली डाल सकते हो। काफ़ी लोगों को लगता है या फिर उत्तरी फूड वगैरह पे बांधेंगे तो भी चलता है, स्टोन पे बांधेंगे तो भी चलता है। ये प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं, बट लाइट रहना ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखें कि लाइट रखें, नहीं तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। सनलाइट नहीं मिलता है तो नॉर्मल लाइट देना ज़रूरी है उसको। और आरिफ भाई, इसमें कौन सी वैरायटीज है? इसके अंदर टेट्रा है, रेड आइस टेट्रा है, नियॉन रेम्बो है, और वाइट फिन टेट्रा है, ग्रीन टाइगर बाग भी है मेरे पास यहाँ पे। तो इसके अंदर सब दो तीन चार वैरायटी है मेरे पास इसके अंदर। तो मैं इसके प्राइस बता देता हूँ आप लोगों को। ग्रीन टाइगर बाग जो है ये इम्पोर्टेड वैरायटी है थोड़ा मेरे पास, तो ये आपको 200 रुपये जोड़ी में पड़ेगी। और ये जो है वाइट फिन टेट्रा है, ये वाली आपको डजन में लेगी तो 400 रुपया है। और रेड आइस टेट्रा है, ये बड़ा साइज है थोड़ा सा, तो ये आपको 350 रुपये डजन में मिलेगी। ओके, और इसमें भी प्लांट्स दिख रहे हैं? ये इसके अंदर थोड़े से पॉट वाले प्लांट्स हैं जो आप इसको लगा सकते हो, आप इसको सॉइल में भी लगा सकते हो। और ज़्यादा करके जो नॉर्मली, भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो नॉर्मली आजकल जो प्लांट्स निकले हैं जो काते, जैसा थोड़ा सा काथा वगैरह नीचे लगा हुआ रहता बॉटम में, या फिर वो रहता लगा हुआ नीचे, तो प्लांट ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं, ख़राब हो जाते, बाद में उनका कंडीशन थोड़ा ख़राब हो जाता। तो हिसाब से अगर आपके पास, आपको अगर रखना ही है तो प्लांट्स आप थोड़ा सा सॉइल वगैरह डाल के रखे, थोड़ा सा प्लांट को क्या है नीचे से रूट्स वगैरह मिल जाते हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग को, अगर आपको थोड़ा सा छोटा सा अगर आपको प्लांटेड करना है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि थोड़ा सा नीचे से गोल्डन सॉइल या रिवर्स सॉइल वगैरह डाल के आप उसको प्लांट को लगा लें, थोड़ा सा उसको हेल्थ मतलब बढ़ने के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, नीचे रूट्स वगैरह बढ़ जाते हैं। बाकी के जो अभी नॉर्मल जो निकले प्लांट्स वगैरह ये थोड़े से ग्रोथ नहीं होते, बाद में थोड़े टाइम के बाद इनके पत्ते वत्ते झड़ने लगते हैं और बाद में सिर्फ कांटी कांटी रह जाती है। एंजल में आपने इस बार छोटा साइज भी लाया हुआ है, वो हाँ, अच्छा मोनो एंजल के अंदर मेरे पास अभी इस समय तीन टाइप के है, छोटा साइज है, मीडियम साइज है और उससे एक बड़ा साइज है। तो तीनों के प्राइस अभी फिलहाल तो जो चल रहे हैं अभी, मैं अभी का लेटेस्ट प्राइस आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मत बोलना बाद में आगे कि भाई इतना इतना प्राइस था, ये वीडियो में हमने इतना देखा था, वो वीडियो में इतना देखा था। प्राइजेस चेंज होते रहते हैं भाई, जैसे मुर्गी के अंडे के और गोश्त के प्राइस चेंज होते रहते हैं, उसी तरह से फ्रेशेस के प्राइजेस भी चेंज होते हैं। परचेसिंग पे डिपेंड होता है, माल अगर क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, और क्वांटिटी कम रहेगी तो फिर उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि शॉप है तो शॉप पे मच्छी तो लाना ही पड़ता है, मुझे एक जैसा प्राइस नहीं मिलता है। एक टाइम पे मैंने वीडियोस डाला था अरवाना का, उसके अंदर प्राइस कम था, तो बंदा आके बोलता भाई तुमने इतने का अरवाना बोले थे, अभी तो ये वीडियो में ये प्राइस था। एक जैसा प्राइस नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ उसका, छोटा साइज का लेंगे तो 100 रुपीज़ पीस है, उससे बड़ा लेंगे थोड़ा मीडियम साइज़ का तो वो आपको पड़ेगा 150 पर पीस, अगर बड़ा साइज़ का लेंगे तो आपको पड़ेगा 250 पर पीस। और इसके अंदर, हाँ इसके अंदर स्कैट है, ये स्कैट फिश है, हाँ स्कैट भी है इसके अंदर, ये वाला हाँ ये स्कैट है। ये आपको मेरे पास अभी फिलहाल ये 3 इंच का साइज का है तो आपको 350 पैर में मिल जाएगा। ये 350 के साथ में रखने के लिए बेस्ट फिश है ना, मोनो एंजल के साथ में रहता है। ये सब ब्रैकिश वाटर की मच्छी है, थोड़ा सा नमक लगता है, इसको ध्यान में रखें। आप लोग को बताया था, आप लोग काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई पैरेट के साथ में चिकलेट के साथ में क्या रखूँ, तो आप लोग ध्यान रखें ये जो फिशेस है ये चिकलेट में रहती है। ओके, हाँ ये फिशेस तो चिकलेट में रहती है, आप इसको ईजिली चिकलेट में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको इजीली रखे पैरेट में रखे, चिकलेट मोनो एंजल और स्कैटफिश का अपन एक ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों को, किसी के पास 4 चिकलेट पड़ा होता है, किसी के पास 5 चिकलेट पड़ा होता है, वो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि भाई हाँ और कौन सा कि मैं क्या डालूँ क्या डालूँ। तो दुकान वाले क्या करते हैं, जिससे कि कोई भी दुकान वाला हो, वो नाम तो ले लेगा किसी का, तो वो क्या करते हैं कि भाई ये डालो ना ये रहेगा इसके साथ में, ये डालो इसके साथ में, ये रहेगा डालो इसके साथ में, ऐसा नहीं रहता है। नहीं, उसके लिए तो आरिफ भाई हमने सेपरेट वीडियो भी बनाया कि कौन सी फिश के साथ में रहती है। हाँ, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है और लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा वीडियो था करके। तो काफ़ी लोगों को मैं बताते रहता हूँ वीडियो के जरिए से, काफ़ी नॉलेज देते रहता हूँ। मेरा कोई इसमें इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को इसके अंदर के मुझे कुछ बहुत सारा पैसा मिल रहा है कि मैं कुछ हो रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब वगैरह है, जो भी मुझे देखता है, जो भी मुझे, जिसने भी मुझे व्यूज़ किया है, देखा है वीडियो, उसको नॉलेज मिले, बंदा कुछ सीखे मेरे से, समझे। क्या होता है कि ज्ञान जो होता है बांटने से बढ़ता है, सही समझे, मेरी सोच है ये पर्सनली। अगर मैं किसी का भला करता हूँ तो ऊपर वाला मेरा भला करेगा, मेरी ये थिंकिंग है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी है मेरे पास, मैं जो भी है, मैं जितना होगा उतना वक्त मिलेगा आप लोगों को देते रहता हूँ और वीडियो के जरिए से बताते रहता हूँ।
अरे भाई ये तो बहुत ही प्यारा सा एंजल फिश लाया आपने इस बार। ये वेल्टेल स्कार डायमंड एंजल है, ये मार्बल एंजल है सॉरी। ये आप लोग को इसका फुल साइज़ है, ये बिग साइज़ है ये वेल्टेल में। तो ये आपको जोड़ी में लेंगे तो आपको 500 रुपये जोड़ी में आएगा। ये 500 रुपीज़ में जोड़ी मिल जाएगा ना, कम हो गया 250 का वन पीस। हाँ 250 का वन पीस। तो इसमें प्लांट्स भी दिख रहा है अरे भाई। ये प्लांट्स है, रेडमिंट नाम है इसका। ओके ये आप इसको लगा सकते हैं अपने नॉर्मल टैंक में। 150 बंच में आएगा आपको, 150 में बंच मिल जाएगा। हाँ छोटे एंजल भी है आदि भाई अपने पास। हाँ छोटे एंजल की वरायटी इसके अंदर मेरे पास अभी ना, इसके अंदर 2 से 3 वरायटी है। एक स्कार डायमंड है, मार्बल है, और ये वाला है टैक्सीडो एंजल है छोटा सा। ओके यहाँ पे ये वाले साइज, तो ये वाला इसका प्राइस मैं आपको बोलता हूँ। ये आपको आज के तारीख में अभी इसका साइज़ बोलता हूँ, 2.5 इंच का साइज है ये, तो आपको 80 रुपये जोड़ी में आ जाएगा। 80 रुपीज़ पैर में, 80 रुपीज़ पैर में मिल जाएगा। 40 रुपीज़ का एक, 40 रुपये पर पीस से। अरे भाई एंजल फिश जो है वो गोल्ड फिश के तो आपने रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमें कि उनके एंजल फिश ने गोल्ड फिश को मार दिया या उसका पिन ड्रॉप कर दिया है। एंजल के साथ में गोल्ड फिश नहीं रखा जाता है भाई, वो निप करता है कभी कभी। तो आप इसको सिल्वर शार्क के साथ में, डॉलर के साथ में रखो ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है, समझे। एंजल जो होता है काफ़ी पीसफुल मच्छी है, थोड़ा सा खड़ा रहता है एक जगह पे, बट वो निप करता है थोड़ा सा, तेल वगैरह खाता है। तो टेट्रास वगैरह भी इसमें चलता नहीं है, आप इसमें टेट्रा भी ना डालें। जैसे बहुत से लोग गप्पी वप्पी दे देते हैं कस्टमर को या बेचते या किसी को, और जेब्रा वगैरह, जेब्रा आप वीडो वगैरह डाल सकते हैं इसके अंदर, चलता है। बट थोड़ा अवॉइड करें इसको, डॉलर वगैरह में रखें, सिल्वर शार्क में रखें, प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली रहते हैं। मौली आप लेंगे तो आपको 250 रुपये डज़न में आएगा। इसके अंदर मिक्स वैरायटी है मेरे पास, गोल्डन ब्लैक और वाइट है, और डालमेशियन और ग्रीन मौली है इसके अंदर। ये वाली जो वैरायटी है इसको थोड़ा सा ग्रे और ग्रीन बोला जाता है इसको, और इसके अंदर 250 रुपये डज़न में आपको ये पड़ता है। 250 रुपये डज़न में मिल जाएगा ना, 250 रुपये डज़न में मिले। अगर पेयरिंग में लेना चाहे तो 50 रुपये में आएगा आपको। और मेरे पास इसके अलावा थोड़ी बड़ी साइज़ में जम्बो मौली भी है यहाँ पर मौजूद, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये थोड़ा बिग साइज़ का मौली है। 3 इंच का साइज़ है इसका, बड़ा साइज़ है, जंबो मौली बोलते हैं इसको। काफ़ी लोगों को पता है नहीं पता है, काफ़ी लोगों ने नॉर्मल मौलीज देखे, छोटा साइज़ देखे, तो ये बड़ा साइज़ का मौली है। आपको 40 रुपये पर पीस में मिलेगा ये। अगर आप पैरिंग में लेना चाहें तो 80 रुपीज़ पैर में आ जाएगा। और ये मच्छी के अंदर, टैंक के अंदर मेरे साथ डेनासोनी है, इसको रोजलाइन शार्क बोला जाता है इसको। ये प्लांटेड में भी चलता है, गोल्डफिश में भी चलता है, और डिस्कस में भी चलता है ये वैरायटी। काफ़ी लोगों का सवाल होता है भाई डिस्कस में कौन सी मच्छी रहती है, कौन सी मच्छी डालना चाहिए, तो आप लोग को बता देता हूँ मैं। डिस्कस में डायनासोनी डाल सकते हैं आप। ये मच्छी ऐसा है कि पानी गंदा नहीं करती, पानी क्लीन रहता है, और थोड़ा सा कलर अच्छा दिखाती है। तो इसका प्राइस बोलता हूँ आपको, ये साइज़ मेरे पास 3 इंच का साइज़ है इसका, 200 रुपये जोड़ी में आपको आ जाएगा। इसके अलावा मौली है 80 रुपये जोड़ी में, इसके अंदर छोटा साइज़ का सिल्वर शार्क है, 2 इंच का साइज़ है इसका, छोटा साइज़ का 2 से 2.5 इंच का, तो आपको 100 रुपये जोड़ी में आएगा ये। अरे भाई इसमें गोल्ड फिश दिख रहा है। हाँ इसके अंदर गोल्ड फिश है मेरे पास। ये वाला जो लंबा टाइप का जो गोल्ड है इसको कॉमेट बोला जाता है, ये लंबा वाले को। और ये आपको 100 रुपये पर पीस में आएगा, 200 रुपये जोड़ी में। और इसके अंदर रेड कैप वगैरह जितना भी पड़ा हुआ है सब 100 रुपये पीस के हिसाब से आपको आएगा। इसके अंदर बड़ा साइज़ का ब्लैक मोर भी है, ये 3.5 इंच के साइज़ का इसके अंदर ब्लैक मोर है, 200 रुपये जोड़ी में आएगा। ये रेड कैप है 3 इंच का साइज़ का, 200 रुपये जोड़ी में आएगा। कॉमेट गोल है ये वाला आपको 100 रुपये पीस में आएगा। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, और पानी गंदा नहीं करते लोग। मैं आप लोगों को एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको पानी कैसा क्लीन रहता है आपका। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स आती है भाई पानी वाइट हो रहा है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा पानी क्लीन कैसा रहता है मेरे शॉप के अंदर। आप लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ देखे, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा है कि भाई आपका पानी इतना क्लीन क्यों रहता है, तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा पानी क्लीन कैसा रखा जाता है, किस तरह से मेंटेन किया जाता है। जाइंट गुरामी मेरे पास अभी 3 इंच साइज़ का है, 3 इंच प्लस है ये, तो आपको 300 रुपये पीस में आएगा जाइंट गुरामी। रेटल फिश लेंगे आपको 3 इंच का साइज़ है, 200 रुपये पर पीस में आएगा। शिवरम लेंगे आपको शिवरम लेंगे तो आपको पड़ेगा 350 रुपये पैर में, 350 रुपये पैर में मिल जाएगा, 175 पर पीस में आपको मिल जाएगा। अरे भाई ये वाला कौन सा फिश है? ये पिराना है, पाकू पिराना बोलते हैं इसको, पाकू पिराना है। अरे भाई पाकू पिराना आप इसको ऑस्कर के साथ में रख सकते हो, और आपने अगर चिकलेट का टैंक बनाया, बड़ा टैंक है मॉन्स्टर, तो आप इसको रख सकते हो। अरवाना के साथ में भी इसको थोड़ा सा बड़े टैंक में आप उसको डाल सकते हो। ओके तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा, इसका साइज़ 4 इंच का साइज़ है इसका, तो इसका प्राइस आपको 200 रुपये जोड़ी में आ जाएगा ये। इसको फूड वगैरह क्या डालना पड़ता है? नॉर्मल फूड डालेंगे तो इट्स ओके। अगर आपको साइज़ अगर ग्रूमिंग करना है, फास्ट बड़ा करना है, तो आप उसको नॉनवेज हार्ड वगैरह डाल सकते हो, झींगा डाल सकते हो, सुकट
जवला वाली जिसको बोला जाता है, काफ़ी जगहों पे अलग अलग नाम है उसका। तो जुंगा झिंगा जो होता है सुकट होता है बारीक वाला जवला, वो आप उसको डाल सकते हो। और अभी भी ये टैंक में अपना कौन सा वेराइटीज का फिश है? ये इसके अंदर दो टाइगर ऑस्कर है, सकर है मेरे पास और गोल्डन सकर है। तो ये आपको ऑस्कर तो 300 रुपये जोड़ी में आ जाएगा आपको ये वाला, और इसके अलावा जो बड़ा साइज़ का सकर है और मेरे पास ये समथिंग मेरे पास 6-7 इंच का साइज़ का ब्लैक सकर है ये। तो ये आपको 150 रुपये पीस में आएगा अगर आप, क्योंकि एक्चुअल बहुत से लोगों का ये रिक्वायरमेंट होता है कि भाई मेरे पास फ्लोरन है तो फ्लोरन के अंदर डालने के लिए, मतलब टैंक क्लीन करने के लिए, अरवाना है तो अरवाना के अंदर आप इसको इजीली डाल सकते हो। ये सक करते रहता है, क्लीन करता है, एल्गी वगैरह खाता है, तो वही हिसाब से इट्स ओके। और ये वाला शुभम किन फिश दिख रहा है अभी भाई? हाँ, इसका नाम शुभम किन है, शुभम किन वेल्टेल है ये। तो इसका साइज मेरे पास है 3.5 इंच समथिंग साइज है इसका। तो आपको जोड़ी में लेंगे तो 100 रुपीज़ जोड़ी में मिल जाएगा आपको। 100 रुपीज़ जोड़ी में मिल जाएगा। हाँ, ये गोल्ड फिश का ही वैरायटी है ना? गोल्ड फिश की एक नस्ल है ये। गोल्ड फिश के अंदर बहुत सारी जैसी वैरायटीज आती है, जैसे शुभम किन हो गया, रेड कैप हो गया, ब्लैक मोर हो गया, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है, पूरे टोटली नाम नहीं बताऊंगा। तो वही वैरायटी में एक आता ही है वैरायटी गोल्ड फिश। गोल्ड फिश के साथ आराम से रख सकते हैं। हाँ, ये गोल्ड फिश में रहने वाली मच्छी है और इजीली रहती है, नॉन एग्रेसिव फिश है ये। और आरिफ भाई, इसमें जो फिश दिख रहा है ये टिन फॉइल है? हाँ, ये टिन फॉइल है। इसका साइज मेरे पास है 4 इंच का साइज है ये। बड़ा साइज है इसका? बड़ा साइज है ये। काफ़ी लोगों को ये अरवाना वगैरह में रखने में काम आ जाता है, और ऑस्कर में भी आप इसको डाल सकते हो, तो ये इजीली रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शार्क वगैरह में डाल सकते हैं इसको, ऑक्सीजन लगता है। तो ये 200 रुपये जोड़ी में आएगा। 200 रुपये जोड़ी में मिल जाएगा? 200 रुपये जोड़ी में। बहुत सारे फिशेस के साथ हम इसको रख सकते हैं ना? आप इसको इजीली रख सकते हैं, थोड़ा सा टैंक पे डिपेंड है। अगर आपका टैंक अच्छा साइज है, बड़ा साइज है, तो आप इजीली कोई भी मच्छी रख सकते हैं। बट थोड़ा सा केयर करना होता है कि भाई कोई मच्छी किसी मच्छी को हार्म तो नहीं कर रही, प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, वो भी आपको देखना होता है। चेक करते रहना पड़ेगा, चेक करना स्टार्टिंग में। थोड़ा आप जब डालते हो तो आपको पता नहीं चलता है, 1-2 घंटे में नहीं पता चलता है, थोड़ा टाइम लग जाता है फिशेस के बारे में पता चलने के लिए। कभी कभी नॉर्मल गोल्ड फिश भी दूसरे गोल्ड फिश को मारना चालू करती है। हाँ, ये भी होता है कभी कभी। सही। और अभी भाई, ये जो शार्क फिश है, इसके अंदर ब्लैक शार्क और वाइट शार्क है मेरे पास। तो इसका साइज रहेगा मिनिमम 4 इंच का साइज है ये। तो आपको ब्लैक वाला 60 रुपये जोड़ी में आ जाएगा, और अल्बिनो वाला लेंगे तो आपको 80 रुपये जोड़ी में आएगा। मैं आप लोगों को शार्क के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जरा गौर करिए बातों के ऊपर। अगर आप किसी से भी शार्क खरीदते हो या किसी से भी लेते हो तो बॉडी देखना ज़रूरी है आपको। अगर डार्कनेस उसका अच्छा है, ब्लैक कलर है शार्क का, अच्छा डार्क है, तो समझ लेना आपका ब्लैक शार्क कंडीशन में है। तो आरिफ भाई, इसमें भी गोल्ड फिश का कलेक्शन दिख रहा है अच्छा सा। ये मीडियम साइज़ का नॉर्मल गोल्ड है। ये गोल्ड आपको जोड़ी में पड़ जाएगा 80 रुपीज़ में। इसका साइज़ रहेगा 2.5 इंच का साइज़ है, 2.5 इंच का साइज़ है, तो 80 रुपये जोड़ी में मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारी साइज़ आती है नॉर्मल गोल्ड के अंदर भी, तो वो आपको साइज़ वाइज डिपेंड होता है प्राइस। अगर छोटा साइज़ लेते हो तो 60 रुपये में आता है, बड़ा साइज़ लेंगे थोड़ा सा उससे तो वो आपको 80 में आता है। उससे एकदम छोटा साइज़ जो लेते हैं वो 1.5 इंच का साइज़ होता है, तो वो आपको 30-40 रुपये जोड़ी में मिल जाता है। और आरिफ भाई, इसमें सकर फिश भी दिख रहा है ना? ये ब्लैक सकर, इसको फ्लैको भी बोलते हैं, सकर भी बोला जाता है इसको। तो ये नॉर्मल है, छोटा साइज़ है, 2 इंच का साइज़ है। और अगर कोई रखना चाहता है गोल्ड फिश वगैरह में तो आप उसको रख सकते हैं। तो ये आपको आ जाएगा 60 रुपये जोड़ी में, 60 रुपीज़ पैर में। ये कोई फिश कैसा है आरिफ भाई? ये मीडियम साइज़ का कोई है। इसके अंदर काफ़ी वैरायटीज़ है मेरे पास, थोड़ा सा काफ़ी सेल आउट भी हो चुका है। अभी क्या होता है कि माल कंटिन्यू आता है और कंटिन्यू बिकते रहता है, तो मैं काफ़ी लोगों को टाइम भी नहीं दे पाता हूँ। काफ़ी लोग मुझे कॉल भी करते हैं, तो वो हिसाब से मेरे पास मच्छियाँ कंटिन्यू आती है। इसके अंदर जो ये मेरे पास कोई अभी पड़ा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा जैपनीज कोई का लुक है इसके अंदर। तो अगर आप इसको लेना चाहेंगे मीडियम साइज़ का, ये 3-3.5 इंच का साइज़ है इसका, तो ये आपको लेना चाहेंगे तो आपको 75 पर पीस में मिलेगा, आपको 150 में पैर मिलेगा। ये बड़ा साइज़ का, थोड़ा अच्छा क्वालिटी है। कोई के अंदर भी काफ़ी वैरायटीज़ आती है, बहुत सारी गोल्डन भी आती है, रेड एंड वाइट भी आता है, ब्लैक एंड वाइट भी आता है। तो ये इंडियन कोई है, बट इसका प्राइस आपको 150 रुपये जोड़ी में आएगा। अरे भाई, कोई फिश के साथ में है, अपन कौन सी फिश है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं उसकी अच्छी सी टैंक में? तो अगर आप इसके अंदर रखना चाहते हैं, बहुत से लोग अरवाना के अंदर भी रख सकते हैं इसको इजीली। क्या होता है कि ये इतना हार्मफुल नहीं है और थोड़ा सा तकलीफ़ नहीं देती है। और अरवाना इसको थोड़ा, अगर अरवाना आपके पास साइज़ वाइज डिपेंड, आप लेना कोई, अगर आपका अरवाना 12 इंच का साइज़ का है तो आप थोड़ी सी बड़ी कोई ले ले, मतलब 6-7 इंच की साइज़ की ले, वो उसके अंदर रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से लोगों का टैंक बड़ा होता है, अरवाना बड़ा होता है, तो
तो अगर बड़ा अरवाना है 2-2.5 फुट का है तो कोई वही ना डाले, बड़ी डालना पड़ेगी। उसके अलावा आप उसके अंदर ऑस्कर वगैरह डाल सकते हो या फिर अपना पैरेट वगैरह डाल सकते हो, जिस तरह मैंने डाला मेरे दुकान मेरे शॉप के अंदर। आप पैरेट भी रख सकते हो उसके अंदर। अगर उसके अलावा आप रखना चाहते हो तो थोड़ा बड़ा साइज़ का टिम फॉइल वगैरह या फिर डॉलर वगैरह आप रख सकते हो उसके अंदर। अरे भाई इसमें मिक्स वैरायटी दिख रही है। हाँ, इसके अंदर कोई की वैरायटी है मेरे पास और शाक की वैरायटी इसके अंदर। गुरामी भी दिख रहा है। गुरामी है, ब्लू गुरामी है, उसके अंदर डाला हुआ। तो ये जो मच्छी है मेरे पास, इसका प्राइस बताता हूँ। ये मेरे पास अभी समथिंग 5 इंच का साइज का शार्क है मेरे पास, ये अल्बिनो और ये वाला। तो ये आप लेंगे तो आपको 150 रुपये पैर में आपको मिल जाएगा। 150 रुपये पैर में। और ये कोई और जो है इसके अंदर, ये बड़ी साइज की कोई है, 6 इंच की साइज की है। ओके, इनका क्या प्राइस है? ये आपको पड़ जाएगी 300 रुपये जोड़ी में। 300 रुपये जोड़ी में। हाँ, और इसके अंदर भी ये क्या फ्लोरन है यार? ये शॉर्ट बॉडी फ्लोरन है मैंने डाला हुआ ये थोड़ी। हाँ हाँ, ये कितने तक मिल जाता है? ये 350 रुपये पर पीस में शॉर्ट बॉडी। आप इसका ब्रीडिंग का तरीका बता दूंगा क्योंकि इजी होता है थोड़ा सा। हाँ, मेरे को इसकी ब्रीडिंग आती है तो मैं आप लोग को सिखाऊंगा इसके बारे में। ठीक है ना, इस पे भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे अपन। ठीक है, चलेगा, मुश्किल नहीं है, पब्लिक के लिए। इसका प्राइस कैसे बोले आदि भाई? ये 150 रुपये जोड़ी में है। 150 रुपये जोड़ी में ये मिल जाएगा, जोड़ी में मिलेगा इसके अंदर से। ब्लू गुलाब और बड़ा सकर भी है मेरे पास उसके अंदर, नीचे से चिपका हुआ जो सकर है। बड़े फिशेज के साथ में रखने के लिए काम आता है। काफी लोगों के पास बड़ा रवाना होता है, मतलब 2-2.5 फुट का या 1.5 फुट के ऊपर का, मतलब 2 फुट के लगभग रहता है, तो उसके लिए सकर काम करता ही है। और ऑस्कर वगैरह के टैंक में भी सकर चलते हैं, बड़े वाले। आप इसको चिकन में भी चलेगा ना? हाँ, फ्लोरन में भी चलता है। बड़ा टैंक, मॉन्स्टर टैंक अगर किसी का रहेगा, बड़ा रहता है ना, 4-5 फुट का टैंक, तो आप उसको सकर डाल सकते हैं। ये सकिंग करते रहता है नीचे, क्लीनिंग करते रहता है। ये बड़ा है, 250 रुपये पीस है इसका साइज, कम से कम 10 इंच का साइज है। ये बड़ा सा इसका रेटल कैटफिश है, 10 से 11 इंच का साइज़ है इसका। और इसके अंदर ये टैटू पैरेट छोड़ा हुआ मैंने, तो ये टैटू पैरेट 1500 रुपये जोड़ी का है। ये बड़ा साइज़ है, 5 इंच का साइज़ का है। हाँ, 5 इंच का साइज़ है, तो ये 1500 रुपये जोड़ी का है। मेरे पास किंग कॉन्ग पैरेट भी आए थे, मैंने सेल आउट कर दिया, तो हाँ आ गए थे, मैंने बेच दिया पूरे। तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल मेरे पास रेटल कैटफिश और पैरेट पड़ा हुआ है। तो ये रेटल कैटफिश आपको अगर बड़ा साइज़ है, आपका अरवाना वगैरह बड़ा है या फिर ऑस्कर वगैरह में आप रखना चाहे तो आप इसको इजीली रख सकते हैं। आपका पैरेट टैंक रहेगा तो भी आप उसको रख सकते हैं। तो इसका प्राइस मैं आप लोग को बता देता हूँ, 900 रुपये पर पीस में आएगा आपको ये, 900 रुपये पर पीस। आउटसाइड मुंबई शिपिंग के लिए मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 5000 रुपीज़ है प्लस शिपिंग चार्जेस। एक और दो पीस बाय करने के लिए प्लीज शॉप को विजिट कीजिए, एड्रेस दिया हुआ है। और आपके जो व्यूअर्स है उसको कुछ कहना है अरे भाई आपका? आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ से भी फ़िशेस वगैरह बाय करते हो, जो भी शॉप से करते हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि फ़िशेस की कंडीशन सबसे पहला देखना ज़रूरी है। ओके, काफ़ी लोगों को मेरे से तकलीफ़ भी है, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि यार तू ऐसा है वैसा है, ये बोलता वो बोलता। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं काफ़ी अल्टे पल्टे, बट चलता है, थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि भाई तू वीडियो में ये बोलता है वो बोलता है, पड़ करता है काफ़ी लोगों को। अगर मैं किसी को ज्ञान बांटता हूँ, किसी को नॉलेज देता हूँ, तो अगर मेरी गलती होती रहेगी तो कोई बात नहीं है, बट मैं मेरे से जितना होगा उतना कोशिश करते रहता हूँ आप लोगों को बताने का। जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आप लोग को बताते रहूँगा। ओके आरिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, चलो ओके, थैंक यू, बाय। फ्रेंड्स, ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।